शर्मा यानी कि मेरी मम्मी मरी नहीं है, वो जिंदा है और मैं अपनी असली मम्मी को अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहती हूँ। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? सारा जी तुम्हारी माँ है और वो मुंबई में है। ऋषि भैया जल्दी चले, बुआ टीवी पर आ रही है। ईशान तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। आप चलिए ना वरना न्यूज खत्म हो जाएगी। चलिए ईशान तुम चलो, मैं जिस देश की रक्षा करने वाले ऐसे जाबाज और देशभक्त सिपाही उस देश की तरफ कोई उंगली उठा नहीं सकता। अरे नौजवानों बिल्कुल सही वक्त पर आए हो, देखो हमारी पब्लिक को सरकार देशभक्ति के लिए पुरस्कृत कर रही है। मैं सच्चे दिल से पुलिस डिपार्टमेंट के सभी भाइयों और बहनों को सैल्यूट करता हूँ। इंस्पेक्टर ज़ारा मलिक खान की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम, इन्होंने जो काम कर दिखाया है वो शायद ही कोई कर सकता था। एक तरफ तो इनके शौहर यानी पति, दूसरी तरफ अगर था तो फर्ज था। इन्होंने अपने फर्ज को निभाया, अपने रिश्तों को भूल गए। अब ऐसे में हमारा देश इन्हें मेडल और 15 लाख रुपए के साथ पुरस्कारित करता है। क्या बात है यार, देखो यार इंदिरा ने हमारा नाम ऊंचा कर दिया यार, कसम से। ओए, ये डीलू को क्यों दे रहे हैं मेडल? मुझे इतना बड़ा सम्मान देने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और मिनिस्टर साहब से माफी मांगते हुए मैं एक चीज करेक्ट करना चाहूंगी। अभी अभी उन्होंने मुझे ज़ारा मलिक खान के नाम से संबोधित किया था, तो मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी कि मेरा नाम सिर्फ ज़ारा खान। मलिक खान मेरे लिए उसी पल मर गया था जिस पल मुझे पता चला कि वो देशद्रोही, और मैं आप लोगों से ये वादा करना चाहती हूँ कि जब तक मेरी सांस में सांस है तब तक मैं अपने देश की सेवा करती रहूंगी। जय हिंद। ये लोग तब तक इस खड़ूस आंटी को इंदिरा समझते रहेंगे जब तक कि मैं अपनी असली मम्मी इंदिरा शर्मा को घर नहीं लाती। ये क्या हो गया? हाय रब्बा, ये क्या हो गया? हाँ, अरे ऋषि बताओ क्या हो गया? देख मेरी बबली ठीक तो है ना? अभी अभी मुंबई के महालक्ष्मी इलाके में एक पुलिस सम्मान समारोह में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। इस हादसे में हताहत हुए लोगों की संख्या का तो पता नहीं चल रहा, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि काफी लोग इस धमाके की चपेट में आ गए हैं। क्या हुआ? मुझे फिर से आपकी हेल्प चाहिए। नेटवर्क को भी अभी जाम होना था। एक बार बात करा दो भगवान, मेरी ज़ारा जी को कुछ नहीं होना चाहिए। छोटे वनराज का फोन भी नहीं मिल रहा है यार, ऐसा तो नहीं कहीं? अरे ओए मुन्ना, शुभ शुभ बोला करना। अरे कहीं बच्चे को कुछ हो गया तो? रब्बा, एक बार छीन कर खुशियां आपने दूसरी बार लौटाई है, अगर दूसरी बार कुछ हो गया ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। नहीं बर्दाश्त। बैठ जा मम्मी, बैठ जा तू आराम से। माली आंटी, पता नहीं ज़ारा जी वहां कैसी होंगे,
पर मैं यहाँ पर हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकता भाई साहब, जरूरत है मेरी, मुझे मुंबई निकलना होगा बस अभी। लेकिन वो हिंदू, टेंशन मत ले, हिंदू की टेंशन मत ले, हिंदू को हम संभाल लेंगे। तेरे को मुंबई जाना ना, तू निकल। हिंदू देखे थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगी, तो टेंशन मत ले उसकी, तू जा। ऋषि, तू वादा कर कि किसी भी तरह तू बबली को वापस घर लेकर आएगा। मेरी बबली अगर दोबारा खो गई ना, तो मैं जी नहीं पाऊंगा। शर्मा की फोटो और ये रहे उनका थंब इंप्रेशन, आप यहां से मैच कर सकते हैं। ये फिंगरप्रिंट वो पाकिस्तान से जो लेडी आई है ना, उसके फिंगरप्रिंट से मैच करता है। अब हो गई तसल्ली, अब दुनिया की कोई भी ताकत मुझे उन्हें ले जाने से नहीं रोक सकती। क्या कर रही हो इंदू? मैं बात कर रहा हूँ ना, अभी उन्होंने हाँ या ना कुछ नहीं कहा, आपका ड्रामा शुरू हो गया है ना। ओह सॉरी अंकल, वो मैंने अपने स्पीच के लिए लाइन तैयार करके रखा था, इसीलिए बोल दिया, सॉरी। ये बच्ची सही कह रही, हमने अपनी तरफ से वेरीफाई कर लिया। ठीक है हनीफा, सुनिए 1100006 नंबर को बुलाइए। एक्सक्यूज मी, नाम से पुकारो, ये क्या लगा रखा है 1100006? उनका नाम इंदिरा शर्मा है और वो मेरी मम्मी है। उनका नाम इज्जत से और अच्छे से लो, समझ में आया या फिर से समझाओ? 1100, सॉरी इंदिरा शर्मा जी के पास ले जाइए। बिरयानी का मसाला एकदम सही है, बहुत अच्छी बिरयानी बनी है, बहुत अच्छी। वनराज क्या बक रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ जारा जी कहाँ है, वो ठीक तो है ना? मेरे दिल में है यार, तो दिल में होता है ना देव बाबू। इंस्पेक्टर जारा खान यहाँ पर एडमिट है? इंस्पेक्टर जारा खान यहाँ पर एडमिट है या नहीं? सिस्टर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इंस्पेक्टर जारा खान यहाँ पर। एक्सक्यूज मी सिस्टर, आप बात सुन रही है मेरी? एक्सक्यूज मी सिस्टर, इंस्पेक्टर जारा खान यहाँ एडमिट है या नहीं? कितनी देर से आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब नहीं आपके पास? एक बहादुर इंस्पेक्टर जो इतने सारे बेगुनाहों की जान बचाता है, उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं आपके पास? क्या कर रही हैं आप यहाँ पर खड़ी होकर? इंस्पेक्टर जारा खान यहाँ एडमिट है या नहीं? अगर घायलों की लिस्ट में आपको उसका नाम नहीं मिला है तो मुर्दा लोगों की लिस्ट में जाके चेक करिए, मृग उस तरफ है। बोलिए आप। प्लीज सिस्टर बताइए मेरी अगर घायलों की लिस्ट में आपको उसका नाम नहीं मिला है तो मुर्दा लोगों की लिस्ट में जाके चेक करिए।
यहाँ पर नहीं है वो लगता है, शायद गार्डन में हो। जिसने तेरे पैंट खींची थी? हाँ, ये बॉल दे। बोला ना बॉल दे। अच्छा, बॉल से खेलने का शौक है? सीखेगी? आओ, अभी सिखाता हूँ। बोल दो। ला। ए, पकड़ पकड़ पकड़। नाम से बुलाते थे सब लोग। कोई भी बकवास करता था, बदतमीजी करता था, तो उसको तुम्हारी मम्मी सही से जवाब देती। ऋषि,
ठीक तो है ना सारा जी? अब जरूर ठीक हो जाओगी मम्मी। मम्मी रुको। जैसे मैंने आपको हमेशा हमेशा के लिए खो दिया, मेरी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई है। वो सब कुछ थम गया था उस एक पल में। मत पूछिए कि वो एक पल कैसा था। सारा जी, हम दोनों ने मौत को एक साथ बहुत करीब से देखा है, लेकिन उस वक्त मुझे इतना डर नहीं लगा जितना कि इसे एक बार में लगा। अगर आपको खो देता ना तो एक पल भी नहीं जी पाता। बोले करेंगे ना शादी मेरे साथ? चांदनी चौक में कैसा लग रहा है आपको अपने इलाके में आकर? ये आपका इलाका था और आप अब कितनी अनजान हो इस इलाके के लिए। दो अपनी पोटली मुझे दो। सॉरी, नेक्स्ट टाइम से तुम्हारी पोटली को कभी हाथ नहीं लगाऊंगी। मैडम पैसा। सॉरी, वो नहीं दे पाएंगी, मैं देती हूँ। कमाल है, बच्चे को बड़ा बनने पड़ रहा है, बड़े को बच्चा।